नमस्कार दोस्तों, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो इनकम टैक्स के सेक्शन 12AA या वर्तमान सेक्शन 12AB में रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए तीन बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जो उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को इनकम टैक्स प्रोविजंस में भरने होते हैं। जरूरी नहीं है ये सारे फॉर्म्स उनके लिए एप्लीकेबल हों, लेकिन एक ट्रस्ट के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके लिए कौन सा फॉर्म कब एप्लीकेबल है। तो दोस्तों, इसी प्रस्पेक्टिव से आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्म्स आपकी नॉलेज में लेकर के आऊं, और एज अ चैरिटेबल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यदि आप इन फॉर्म्स का बेनिफिट उठाना चाहें तो आप जरूर उठाएं। अब ये तीनों फॉर्म्स कौन से हैं दोस्तों, जिन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला है फॉर्म 10B। मैंने इनको इंपॉर्टेंस की नजरिए से सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे फॉर्म 10B को रखा है, फिर मैं फॉर्म 9A की आपसे चर्चा करूंगा, और तीसरे लेवल पर आपसे फॉर्म 10 पर चर्चा करूंगा। तो हम इस चर्चा में ये समझेंगे कि कौन से फॉर्म का क्या प्रस्पेक्टिव है, उसको कब तक भरा जा सकता है, अगर उसे नहीं भरेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं या भरने के क्या फायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे सबसे पहले डिस्कशन शुरू कर रहा हूं फॉर्म 10B पर। हालांकि फॉर्म 10B पर रिसेंटली मैंने एक वीडियो स्पेसिफिकली डेलिब्रेटली भी बनाई है, क्योंकि 10B तो एक इतना इंपॉर्टेंट फॉर्म है किसी भी ट्रस्ट के लिए कि जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर नहीं कर सकते मतलब आप ये मान के चलिए कि मोर और लेस ये मैंडेटरी है। तो यू मे बी इंटरेस्टेड इन नोइंग के ओके व्हेन दिस फॉर्म इज एप्लीकेबल। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा सर सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स लॉ के अंतर्गत, जो ये कहता है कि आपको सेक्शन 11 और 12 में जो एज अ चैरिटेबल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एग्जम्पशन मिलती है, वो एग्जम्पशन ही नहीं मिलेगी यदि आपने 11 12 की एग्जम्पशन दिए बिना आपकी इनकम एज अ ट्रस्ट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है और आपने अपनी ऑडिट नहीं कराई। और दोस्तों, ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो चार्टर अकाउंटेंट जो ऑडिटर होते हैं आपके ट्रस्ट के, वो फॉर्म 10B अपलोड करते हैं और आपको वो फॉर्म 10B एडमिट करना है, एक्सेप्ट करना है। यदि आपने ये फॉर्म 10B फाइल नहीं किया, ठीक है, तो आपको जो सेक्शन 11 एंड 12 की एग्जम्पशन मिल रही है इनकम टैक्स लॉ में, वो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए एग्जम्पशन ही नहीं मिलेगी। इसलिए फॉर्म 10B हर उस सूरत में एप्लीकेबल है पब्लिक चैरिटेबल पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए जहां पर रिलेवेंट ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन की इनकम विदाउट कंसिडरिंग 11 एंड 12 एग्जम्पशन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। अब ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट अगर मैं असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए बात करूं, जिसके लिए वर्तमान में रिटर्न्स भरी जा रही हैं, तो 30 सितंबर 2022 तक असेसमेंट ईयर 22-23 का फॉर्म 10B फाइल हो जाना चाहिए। अब यदि कोई मुझसे इस प्रकार से पूछे कि अनूप जी, मान लीजिए किसी वजह से ये फॉर्म नहीं फाइल हो, तो प्राइमा फेसाई आंसर होगा कि आपको सेक्शन 11 एंड 12 की एग्जम्पशन ही रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए नहीं मिलेगी। तो इट मींस देयर इज अ वेरी स्ट्रांग मैसेज दैट एज अ चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, अगर आपकी इनकम विदाउट कंसिडरिंग 11 12 एग्जम्पशन अबाउ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो आपको फॉर्म 10B मैंडेटरी है। यदि आप फॉर्म 10B नहीं फाइल करेंगे तो आपको 11 12 की एग्जम्पशन फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर नहीं मिलेगी। आइए दोस्तों, अब आपसे बात करता हूं फॉर्म 9A पर, जिसको हम लोग टेक्निकली डीम्ड एप्लीकेशन से रिलेट करके देखते हैं। आप बोलेंगे अनूप जी, ये डीम्ड एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? मैं उसे उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए ट्रस्ट को 20 लाख रुपए की कोई राशि 30 मार्च 2022 को मिली, वित्त वर्ष हमारा रिलेवेंट है वित्त वर्ष 21-22, असेसमेंट ईयर है 22-23। अब क्या एक दिन में ट्रस्ट पूरे 20 लाख रुपए पब्लिक चैरिटेबल पब्लिक रिलीजियस पर्पसेस पे खर्च कर पाएगा? हो सकता है हाँ, और बहुत संभव है ना। अब अगर ट्रस्ट ये पैसा खर्च नहीं कर पाया तो इसका 15% राशि फ्री एक्युमुलेशन छोड़ दू, बाकी पैसे को ट्रस्ट को फिर टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो ट्रस्ट इस पर यदि टैक्स नहीं देना चाहता तो उसको एक ऑप्शन अवेल करने के लिए मिलता है, जिसको हम फॉर्म 9A फाइल करना बोलते हैं, जिसमें ट्रस्ट डीम्ड एप्लीकेशन क्लेम करता है। डीम्ड एप्लीकेशन के इस प्रेजेंट एग्जांपल में मैं केवल उदाहरण से समझा रहा हूं यहां पर कि डीम्ड एप्लीकेशन के इस प्रेजेंट एग्जांपल में ट्रस्ट को यह फॉर्म 9A फाइल करके बोलना होगा कि हां साहब, ये 20 लाख मिल तो गए पर हमसे लागू नहीं किए गए, अप्लाई नहीं किए गए,
हम इसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से मेरे प्रेजेंट केस में वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च करके दिखा देंगे। यदि ट्रस्ट ये कमिटमेंट कर देता है थ्रू फॉर्म 9A, तो डिपार्टमेंट इस 20 लाख की राशि को या इसकी 85% राशि को डीम्ड एप्लीकेशन मान लेगा और आपकी इनकम में सेपरेट एडिशन नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन आया सर कि फॉर्म 9A फाइल करने की ड्यू डेट क्या है? दोस्तों फॉर्म 9A फाइल करने की ड्यू डेट है सेक्शन 139(1) में जो ट्रस्ट की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR होगी। अब अगर मैं मान लूं कि ट्रस्ट पर अदरवाइज ऑडिट की रिक्वायरमेंट फॉर्म 10B की वजह से भी है, तो ट्रस्ट को असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए से 31 अक्टूबर 2022 तक अपनी रिटर्न भरनी है। तो 31 अक्टूबर 2022 तक उन्हें फॉर्म 9A भी फाइल कर देना है अगर वो अपनी रिटर्न में डीम्ड एप्लीकेशन क्लेम कर रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ नॉन फाइलिंग, अगर आप नहीं फाइल करेंगे तो आपको डीम्ड एप्लीकेशन, चाहे आप मान के बैठे हो कि मैं डीम्ड एप्लीकेशन क्लेम कर लूंगा, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फॉर्म 9A का ये सिग्निफिकेंस आपके समक्ष रखा। हालांकि फॉर्म 9A यदि कोई नहीं फाइल करे और कहे कि साहब कोई पेनल्टी लगेगी, तो नहीं सर, पेनल्टी लगने जैसी कोई बात यहां नहीं। अब दोस्तों आपसे बात करता हूं फॉर्म 10 पर, जो कि एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है किसी भी पर्टिकुलर ट्रस्ट के लिए, और इसको हम लोग टेक्निकली अटैच करते हैं सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स लॉ से, जिसको हम टेक्निकली एक्युमुलेशन बोलते हैं। नाउ एक्युमुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, कि मान लीजिए एक ट्रस्ट को 50 लाख रुपए की राशि मिली और ट्रस्ट ने इसमें से 15% फ्री एक्युमुलेशन कर लिया, जो सेक्शन 11 के अनुरूप मिलता है ऐसे 7.5 लाख रुपीज, और ट्रस्ट के पास में बाकी के 42.5 लाख रुपीज बच गए। इसमें से ट्रस्ट ने इस साल 20 लाख रुपए खर्च भी कर दिए वेलफेयर पर्पजेस पे, और बाकी के 22.5 लाख रुपीज ट्रस्ट से अभी खर्च नहीं। अब ट्रस्ट चाहता है कि ये 22.5 लाख रुपए हम अगले 5 साल में किसी बिल्डिंग निर्माण में, ऑर्फिनेज के निर्माण में, या किसी भी वेलफेयर पर्पजेज में यूज करेंगे। तो अब क्या करना है सर, क्योंकि ट्रस्ट से ये पैसा खर्च तो नहीं हुआ, तो ट्रस्ट को एक एक्युमुलेशन का ऑप्शन लेना है बाय वे ऑफ फाइलिंग फॉर्म 10। एक्युमुलेशन यानी हमने इस पैसे को इकट्ठा किया और अब हम इस पैसे का यूज करके आने वाले समय में कुछ खर्चा करेंगे। आने वाले समय कितना? नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो एक्युमुलेशन के कॉन्सेप्ट के अनुरूप ट्रस्ट को वो पैसा जो वो इस साल नहीं लागू कर पाई, खर्च कर पाई, उसको पब्लिक चैरिटेबल पब्लिक वेलफेयर पर्पजेज पब्लिक रिलीजियस पर्पजेज में, जैसा भी ट्रस्ट का नेचर होगा, ट्रस्ट चैरिटेबल है तो चैरिटेबल पर्पज, रिलीजियस है तो रिलीजियस पर्पज पे अगले 5 साल में खर्च करके दिखाना पड़ेगा। और इस दौरान ट्रस्ट को पैसा सेक्शन 11(5) के इन्वेस्टमेंट मोड्स में रखना होगा। तो अगर आप एक्युमुलेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फॉर्म 10 फाइल करना है। ड्यू डेट अगेन 139(1) की जो ड्यू डेट होती है ट्रस्ट के लिए, अगर मैं मान लूं ट्रस्ट पर ऑडिट एप्लीकेबल है, तो सर ड्यू डेट असेसमेंट ईयर 21 असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए होगी 31 अक्टूबर 2022। इफेक्ट ऑफ नॉन फाइलिंग, अगर आप ये फॉर्म नहीं फाइल करेंगे तो सर आपको कोई एक्युमुलेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। हालांकि फॉर्म नहीं फाइल करने की एज सच कोई पेनल्टी नहीं है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्म विच इज एप्लीकेबल फॉर अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तीनों फॉर्म, फॉर्म 10B, फॉर्म 9A और फॉर्म 10, इनकी इंपॉर्टेंस अब आपको और क्लैरिटी से समझ में आई होगी। एंड मुझे लगता है यदि एज अ चैरिटेबल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आपके लिए इन तीनों में से कोई भी फॉर्म एप्लीकेबल है, तो आप उनके नेचर को समझते हुए उन्हें टाइमली फाइल करें, ताकि ट्रस्ट की इनकम पर किसी प्रकार से टैक्स लायबिलिटी न लग पाए। सो थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।